everyone, welcome back to the channel. तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था प्रगति, तो मैंने सोचा था कि हम इसमें वेडिंग, इंडियन फैशन, उस टाइप का कंटेंट बनाएंगे. बट जैसे ये कम्युनिटी बड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी इज अबाउट माय एंड प्रगति's एमबीए जर्नी. दैट मेक्स मी सो हैप्पी, क्योंकि नॉट ओनली कैन वी टॉक अबाउट फैशन एंड मेकअप, बट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रियल थिंग्स लाइक योर करियर, फाइनेंशियल एडवाइस. एंड दैट्स व्हाई आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई लव दिस लव आर यूट्यूब फैमिली. तो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी एमबीए जर्नी बताऊंगी. प्रद्युत के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ही एंड आई हैव हैड वेरी डिफरेंट जर्नीज इन अ सेंस. सो वील स्टार्ट राइट एट द बिगनिंग, विच इज माई अंडर ग्रेजुएशन. सो मैंने 11th एंड 12th में कॉमर्स लिया था, एंड इन माई 12th बोर्ड आई स्कोर क्लोज टू 94%. उस टाइम पे एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग टू बिकम अ लॉयर. तो लॉ के लिए एक एग्जाम होता है CLAT क्लैट करके, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी. एंड आई डिड क्लियर माई क्लैट एंड आई गॉट थ्रू सम वेरी गुड लॉ कॉलेजेस. बट उस टाइम पे आई थॉट कि बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स एंड आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लेट मी डू कॉमर्स, एंड देन अगर मुझे फिर भी लॉ में इंटरेस्ट रहेगा ग्रेजुएशन के बाद, आई कैन ऑलवेज डू यू नो 2-3 ईयर लॉ प्रोग्राम एज माई मास्टर्स. तो ये मेरा उस टाइम थॉट प्रोसेस था. एंड एक बार मैं कॉलेज ज्वाइन किया था, आई वेंट टू श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में है. एंड इवन यू नो माई गेटिंग थ्रू कॉलेज इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर डी यू के कट ऑफ जो है वो क्रेजी है, आप लोग जानते ही है. तो मेरे साल में आई रिमेम्बर मेरा वेंकी में थर्ड लिस्ट में हुआ था, एंड लिटरली मैं 0.25 से हुआ था. सो दैट्स हाउ कम्पिटिटिव दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन. और वहां पे मैंने बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे जो जो भी लोग मिलते थे वो यही एडवाइस देते थे कि आप ऐसा कोर्स करो जिसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो. आप एमबीए कर सकते हो, इकोनॉमिक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, फाइनेंस में जॉब ले सकते हो. तो रियली डू अ स्लाइटली ब्रॉड कोर्स, and that's why I opted for BCom honors. अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने 2 या 3 इंटर्नशिप्स करी थी. ये ज्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली के उससे आई थी. ऑनेस्टली उस टाइम पे लिंक्डइन भी इतना नहीं था, लोग इतने एक्टिव भी नहीं होते थे, तो दीज वर मोर यू नो फेवर्स दैट समवन इन आवर फैमिली डिड. एंड ऑफ कोर्स आई हैड एन इंटरव्यू, पर उस टाइम पे मैंने कोई भी स्टाइपेंड नहीं लिया था. आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस की एग्जैक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता क्या है. और मेरी दोनों इंटर्नशिप्स जो टेलीकॉम कंपनीज में थी, वहां पे फर्स्ट टाइम आई रियली अंडरस्टूड कि ये सोशल मीडिया क्या है. उस टाइम पे ज्यादातर सिर्फ ट्विटर होता था, एंड हाउ कंपनीज आर यूजिंग ट्विटर, एंड दैट रियली फैसिनेटेड मी. तो आई अंडरस्टूड कि जो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई के मामले में भी, इंटर्नशिप्स के मामले में भी, वो ज्यादा मार्केटिंग की तरफ था मोर देन फाइनेंस, राइट. एंड दैट इज वन एडवाइस आई वुड रियली गिव यू कि जब आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, ट्राई एंड डू सम लाइव प्रोजेक्ट्स या कुछ इंटर्नशिप, एंड इवन इफ यू डोंट गेट स्टाइपेंड इट्स फाइन, बट यू विल रियली गेन अ लॉट ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है. और सेकेंड ईयर में मैंने अपना एमबीए का प्रेपरेशन शुरू किया. मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था, मेरे इनफैक्ट कॉलेज के बहुत पास था, तो आई थिंक 2x or 3x a week मैं वहां जाती थी. अगेन ये सब जो करियर लॉन्चर या टाइम है, अभी बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट आ गए, इनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. कुछ 6 months होते हैं, कुछ 3 months होते हैं. मैंने प्रॉपर एक 9 month का टाइम लिया था, क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर तक ही काफी क्लियर था कि आफ्टर माई थर्ड ईयर आई वॉन्ट टू परस्यू माई एमबीए इन मार्केटिंग. अब एक बार जब मैंने अपना मन बना लिया था, तब मैंने बहुत रिसर्च की. मैंने रिसर्च की कि सारे बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, कॉलेजेस का टिपिकली यू नो कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट में. और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत इजीली कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगी. चाहे आपको पैकेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, या कौन सी कंपनीज आती है, कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. मैं कुछ लिंक्स डाल देती हूँ सैम्पल, जैसे जो मेरा कॉलेज था SIBM के. पर अगर आप कोई भी कॉलेज का नाम और पैकेज या प्लेसमेंट्स कीवर्ड डालेंगे गूगल में, तो आपको लिटरली सब मिल जाएगा, सब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहीं पे. और इसके बेसिस पे मैंने अपना एक टारगेट कॉलेज का लिस्ट बनाया था कि ये 15 कॉलेजेस हैं जिसमें मुझे जाना है. अगर मेरा स्कोर अच्छा हुआ और इन 15 में मुझे मिला, तभी मैं जाऊंगी, इसके बिलो मैं नहीं जाऊंगी. और हर साल अलग अलग यू नो इकोनॉमिक टाइम्स ये सब एक कॉलेजेस की लिस्ट निकालते हैं, टॉप 10-20 बेस्ट एमबीए कॉलेजेस. तो उससे भी आप रेफर करके देख सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपका ये आपके टारगेट कॉलेजेस हैं. देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बी स्कूल
चूज करने के बारे में कि सब कहते हैं कि आपको पैकेज देखना चाहिए, प्लेसमेंट देखना चाहिए, और बहुत हद तक ये सही भी है क्योंकि जो बेस्ट बी स्कूल्स होते हैं उसमें जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती है वो भी बेस्ट कंपनीज आती है, उनके पैकेजेस भी थोड़े से और हाई होते हैं। बट इसके अलावा मैं आपको कह सकती हूँ कि चाहे आप टॉप 20 में ना जाए और दूसरे बी स्कूल में भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि आपका जिस चीज में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है और आप अपना करियर कैसे बनाते हैं। सो योर बी स्कूल इज जस्ट आई वुड से अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो एनीवे, जैसे मैंने कहा था आई स्टे हैड टेकन कोचिंग करियर लॉन्चर वे फॉर द 9 month प्रोग्राम, तो मैं क्लासेस के लिए जाती थी, मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी। मेरे साल में पहली बार कैट फिजिकल पेपर से कंप्यूटर में हुआ था चेंज, तो इसलिए पीपल वर ऑल्सो लिटिल कंफ्यूज कि कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा, तो देयर वर अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट दैट आई शुड गिव। इनफैक्ट जब कैट आने वाला होता है, जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं उसके आसपास टाइम इंस्टीट्यूट और सीएल नेशन वाइड फ्री मॉक टेस्ट करते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कहते हैं लोग कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 70s, 80s में आ रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आपके एक्चुअल कैट में 90s प्लस आएगा, विच इज व्हाट यू नीड टू एक्चुअली गेट थ्रू अ गुड पीस। कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने ऑल्सो उस टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, यू नो मैं तब द हिंदू पढ़ती थी, उनका जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें से मैं आर्टिकल्स लिटरली काट काट के कॉपी में चिपकाती थी, बिकॉज आई न्यू कि जो SIBM है, जो बेसिकली स्नैप जिसका टेस्ट है, उसमें GK भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बी स्कूल में एडमिशन में सिर्फ कैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस होता है, पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। सो यू नीड टू build the habit of reading newspapers, reading articles, just reading what's happening around the world. तो अब ये सब करने के बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि जिस दिन मैं अपना कैट का एग्जाम देने गई थी, तो ये मेरी लाइफ का सेकेंड कम्पिटिटिव एग्जाम था। मैंने एक बार क्लैट दिया था जो लॉ के लिए, एंड देन दिस। अब जो लोग ना इंजीनियरिंग करते हैं उनको कम्पिटिटिव एग्जाम देने की ज्यादा आदत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स फॉर इंजीनियर्स आर लाइक दैट, यू नो, सो दे नो हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर। Unfortunately, under pressure, I really broke down. मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, मेरे मॉक टेस्ट में अमेजिंग स्कोर्स आ रहे थे, बट when I actually went that day to give my CAT, I was very nervous, और उस nervousness के चक्कर में मैंने बहुत especially I think math, quant हमेशा मेरा weakness था, मैंने quant में बहुत गलतियाँ की, and my actual CAT percentile was hardly I think 85 or 86, मतलब it was very bad. It was not enough to get me a call anywhere. But fortunately, मैंने snap भी दिया था, जो Symbiosis का अलग exam होता है, in which I got a really good score, and that is how I was able to make it to SIBM. But I just want to tell you कि you know, not getting through your dream B school can many often be, it's not just कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपको आता नहीं है, many times it's other things that it's very important for you when you give your exam to not be nervous and to just be confident, you know, to know, क्योंकि that is what is the final deal breaker at the end of the day. And basically जो snap का test होता है, so Symbiosis में बहुत सारे B schools हैं, I think there are about 14 B schools, उसमें से जो उनका सबसे flagship या premium B school है वो है SIBM पुणे, जहाँ मैं गई थी, और again based on marks you can get through अलग अलग B schools. जो मेरी list of 15 थी उसमें SIBM था. वेरी ऑनेस्टली अगर मेरा SIBM में नहीं होता तो उस साल आई हैड गॉट अ जॉब इट विद डेलॉइट, तो वो मैं जॉब ले लेती, आई वुड हैव वेटेड एंड गिवन माई कैट अगेन, बिकॉज आई डू बिलीव दैट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे बी स्कूल से MBA करें, क्योंकि MBA में ना पढ़ाई से ज्यादा जो चीज आपका बनता है वो आपका नेटवर्क है, राइट, दी अदर पीपल यू मीट ना, फॉर एग्जाम्पल 8 years मेरिट आई पास आउट इन 2014, and 8 years later I have friends in some of the most lovely companies doing such different interesting things, and unko dekhkar also I learned so much, right, so it's really building that amazing network. So I do suggest that you work hard and make sure you go to one of the top B schools. Main kuch questions ka bhi answer deti hu saath mein. Srishti ne pucha what are the latest specializations one should do in MBA to have a good future, to main aap sabko batana chahti hu ki aajkal har cheez mein future hai,
ठीक है, अगर आप अच्छे गेमर भी हो ना, यू कैन हैव एन अमेजिंग फ्यूचर. सो वेदर इट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है. आप ये मत बॉदर करो कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और बाकी लोग क्या करें तो मुझे भी वही करना चाहिए. आप ये देखो कि आपका किस में इंटरेस्ट है एंड देन चूज दैट. और ये आपको पता कैसे चलेगा, ओनली व्हेन यू टॉक टू मोर पीपल, यू रीड मोर. आप कोरा पे जाके आर्टिकल्स पढ़िए कि what exactly happens when you work in digital, what happens when you work in operations. Just read as much as you can, learn as much as you can, and then take this decision, because this is of course a life changing decision. Tanisha is saying, hi there, I scored well in CAT and SNAP but couldn't take admission, so tell me, should I do MBA after WorkEx or try for entrance this year again? Tanisha, jaise maine bataya, main bina WorkEx ke directly apna MBA karne gayi thi, kyunki maine BCom honors kiya tha. Jo jobs mujhe mil rahe the wo zyada tar finance domain mein the, and I was very sure I wanted to do marketing. If I could turn back time, I would have actually taken 1 or 2 years and actually done some, worked a little bit, got some experience, and then that did my MBA. And then I would have done my MBA. Because I think WorkEx ke baad MBA ki value bahut zyada hoti hai. I think when I went for my MBA, I was 20 years old, which is way too young. Matlab mera MBA 22 pe khatam ho gaya tha, which is why now at 30, I have close to 30, I have 8 years of experience, right? But I would definitely recommend taking at least a year, studying a little bit, us time mein, and also working and really understanding ki what is your true passion. Okay, Harsh is asking, how did you prepare for CAT from your point of view? What is the ideal time frame for this? Again, Harsh, like I said, मैंने almost 8 to 9 months लिए थे क्योंकि मेरी quant काफी weak थी, and I wanted to prepare properly. Again, it really depends. अगर आपने engineering करी हुई है तो a lot of the math stuff might be easier for you, so you might need lesser time to prepare. It really depends on your personal ability and how much time you have. How to get admission in IIM? What is the MBA and fees? This is by Prerna. Prerna, please, आप ये सारा information online ढूंढिए. IIM, हर IIM का एक अलग cut off होता है. आप Google करके ढूंढ सकते हैं कि last few year की cut off क्या है. How to get through IIM? You have to study hard, give your CAT, get a really good score, clear the GDPI, compete with literally thousands of people across the country, and then get into an IIM. That's basically the only way. How to manage finances as doing an MBA is expensive. This is by Niharika. Niharika, you're absolutely right. I was fortunate that my parents were able to sponsor my MBA. Otherwise, mere saath jo log the, un sabne mostly loan liya tha. This is why people prefer to first work and then do their MBA, taki aap thoda sa money save kar paye, and then you take an education loan and then you pay it off after you get a job. Which is why it's really important in those 2 years to focus, work hard, and get a really good job. तो इस वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी एमबीए और वर्क जर्नी और एसआईबीएम जर्नी के बाद में आपको बताऊंगी, बट दिस वीडियो इज ऑलरेडी टू लॉन्ग, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट कि मेरा एमबीए का एक्चुअल एक्सपीरियंस एसआईबीएम में कैसा था, व्हाट आई डिड टू गेट माय फर्स्ट जॉब व्हिच वाज विद द महिंद्रा ग्रुप. सो आई गिव यू सम ऑफ माय हैक्स एंड ट्रिक्स, बट फॉर नाउ गाइस ऑल आई कैन से इज प्लीज रीड अ लॉट. डूइंग एन एमबीए इज अ वेरी एक्सपेंसिव डिसीजन, इट इज it's costly, there's a lot of time involved, so please make sure you're reading to find out what are your interests, do any internships, do any projects that you can get, and always remember that the only way to succeed is to work hard and to work smart. So I hope you guys enjoyed this video. Please leave any questions that you have below in the comments and I will make sure to reply to them. And if you would like to know more about my SIBM journey and my work journey, let me know so I can make a part 2 and 3 of this video. Thank you so much for watching, and I hope that this video was helpful.